मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन आगमन के दौरान हेलीपैड पर कैमरामैन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज रीडर के रिपोर्टर्स को रिकॉर्डिंग के कवरेज के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज आगमन हो रहा है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है जहां पर चेकिंग की जा रही है। उसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के कैमरामैन को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का हवाला देकर अंदर जाने से मना किया गया। जब इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह से चर्चा की तो राजपाल सिंह ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में मामला लाया गया है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाता हूं और मीडिया कर्मियों और कैमरामैन को अंदर जाने की बात करता हूं। साथ ही शहर के मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने भी कहा कि कैमरामैन को रोकना गलत है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में और संगठन के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। के द्वारा और आप लोगों के द्वारा भी कैमरामैनों को बुलाया गया था, बाकी सीएम साहब के कवरेज के लिए अंदर हेलीपैड पर शूट करने के लिए कैमरामैनों को नहीं जाने दिया जा रहा है, किस प्रकार संज्ञान में लाएंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? देखिए अभी अब मैं जस्ट अभी हाल आया हूँ, मुझे आपके द्वारा पता चला है, मैं एक बार जाके अधिकारियों से बात करता हूँ कि क्या उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, कैसे क्या है वो क्लियर कर लूँ, उसके बाद आपसे बिल्कुल संपर्क। जब आगमन को लेकर या सीएम साहब के कवरेज को लेकर जब कैमरामैन कर ही नहीं पाएंगे, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो किस प्रकार से क्या रहेगा और किस प्रकार से इस समस्या का निदान करवाएंगे, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, बात से सहमत हूँ, मीडिया को रोकना तो नहीं, लेकिन एक बार मैं जाके व्यवस्था देख लूँ, समझ लूँ क्या है, उसके बाद फिर मैं संपर्क करके आपको बता देता हूँ क्या मामला है, क्योंकि मैं भी अभी आपके सामने आया हूँ, आपके सामने आके मैं अभी देख रहा हूँ जिस भी स्थिति रहती है, मैं आपको अवगत करवाता हूँ उससे, क्योंकि व्यवस्था प्रशासन ने अपनी व्यवस्था तैयार करी है, उस व्यवस्था के तहत भी हम भी जिनके नाम है वही अंदर जा पा रहे हैं, बाकी लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं एक बार व्यवस्था देख लूँ समझ लूँ उसके बाद मैं आपको अवगत करवा पाऊँगा उस चीज़ की। और विगत पिछले जब भी सीएम साहब को आगमन हुआ है आने भी दिया जाता है जाने भी दिया जाता है हेलीपैड पर कैमरामैनों को, और ऑलरेडी वहाँ से निर्देश दिए जाते हैं, फिर आज किस प्रकार से नहीं जाने दिया जाएगा और किस प्रकार से क्या रहेगा इस मामले में? आप श्रीमान एडीएम महोदय और एडीएसएसपी महोदय से बात करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। रिपोर्टर कैमरामैन कोई भी नहीं जाएगा आज अंदर, कोई भी शूट करने या नहीं जा सकता है? मैं भी नहीं जाऊँगा। जब जब सीएम साहब का आगमन हुआ है कैमरामैन और मीडिया कर्मियों का जाना रहता है, पर आज यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं मंडलोई साहब, उनका ऐसा कहना है कि सीएम साहब के कवरेज के लिए कोई रिपोर्टर नहीं जाएगा, कोई कैमरामैन नहीं जाएगा, किस प्रकार से मीडिया के हनन को किया जा रहा है और किस प्रकार से क्या है? जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्था बनाई होगी मुझे जानकारी में नहीं है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज उज्जैन की यात्रा पर हैं, आप लोगों से वो जरूर मिलेंगे, मीडिया से अवश्य मिलेंगे। पर मंडलोई सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो वो जनसंपर्क के द्वारा जो सूचना पत्र दिया गया उनको मान रहे हैं, कोई निर्देश मान रहे हैं, और कैमरामैन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हेलीपैड पे क्या अरेंजमेंट जमाया मुझे मालूम नहीं है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में आप लोगों से जरूर मिलेंगे, मीडिया के साथ में उपस्थित होंगे। ठीक है गाड़ी अंदर नहीं है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।